हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे सिस्टाइटिस की क्या होम रेमेडीज होती हैं। सिस्टाइटिस, जैसे कि मैं आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सिस्टाइटिस आपके पेशाब का थैली का सूजन होता है, उसका इन्फ्लेमेशन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको उसके कारणों के बारे में, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि सिस्टाइटिस की क्या होम रेमेडीज होती है, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होते हैं जिससे कि आपके ये सिम्टम्स जो सिस्टाइटिस के होते हैं बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर जाए और सिस्टाइटिस जल्दी से ठीक हो जाए। उसमें सबसे पहले है, आप हीटिंग पैड को अपने लोअर एब्डोमेन मतलब टमी के ऊपर रखें, या जो आपकी थाई होती है, जो आपकी जांघें होती हैं, उसके अंदर की तरफ उस हॉट पैड को रखें। उसके अलावा आपको बहुत सारा पानी पीना है, लगभग 10 से 12 ग्लास पर डे। आपको कुछ फूड अवॉइड करने हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड्स होते हैं, और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। आपको सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ क्या होता है? आप एक टब के अंदर गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर आप 10 से 20 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। इसको दिन में एक से दो बार करने से आपके सिम्टम्स बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। उसके अलावा अगर आपको सिस्टाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप सेक्स को अवॉइड करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाए उस समय के लिए तो अच्छा रहेगा, और आपका सिम्टम्स भी बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। उसके अलावा आपको यूरिन पास करने जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन पास करने के लिए जाना होगा, क्योंकि ब्लैडर के अंदर जो इरिटेंट या कोई बैक्टीरिया हो, कोई ड्रग हो या केमिकल हो, वो जल्दी से बाहर निकल जाए, उसके लिए आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप टॉयलेट करने जाते हैं तो अपने जो लेटरिन का रास्ता होता है उसको आप आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें, कभी भी पीछे से आगे की तरफ ना करें, स्पेशली महिलाएं। और महिलाएं किसी तरह का स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज कर रही हैं या हाइजीनिक स्प्रे इस प्राइवेट पार्ट्स में यूज कर रही हैं, उसको अवॉइड करेंगी। आपका जो एक्सटर्नल जिनेटेलिया है, जो आपके पेशाब के रास्ता वगैरह है, उसको आप माइल्ड सोप के साथ में डेली क्लीन करें, माइल्ड सोप और पानी के साथ में क्लीन करें। और आपके सिम्टम कुछ ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद में आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करें ताकि वो सिस्टाइटिस का पूरा ट्रीटमेंट दे सके। लेकिन ये जो होम रेमेडीज हैं, ये किसी ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपके सिम्टम्स को और सिस्टाइटिस को बहुत जल्दी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी, लेकिन आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।